भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा पॉइजन मनी के बारे में। जनरली आप लोगों को इस तरीके से मेल्स आते हैं पॉइजन मनी के रिगार्डिंग। देखिए इस तरीके जो मैंने मेल खोल के रखा है, क्या आप यदि ये डिपॉजिट नहीं जमा करते हैं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है यदि आपने ये डिपॉजिट नहीं किया? तो सबसे पहला कि आप यू आर नॉट एबल टू अपलोड एनी ब्रांड प्रोडक्ट ऑन जेम। आप कोई भी प्रोडक्ट को अपलोड नहीं कर पाएंगे जेम पे, नया नया कोई भी, जो एग्जिस्टिंग है वो रहेगा पर नया कोई प्रोडक्ट जेम पे अपलोड नहीं कर पाएंगे। और सेकंड है, आप कोई भी बिड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। यू आर नॉट वी विल बी नॉट एबल टू पार्टिसिपेट एनी न्यू बिड। थर्ड पॉइंट है कि आप You will not be able to get any new DP, L1 bid or RA order. That means क्या हो गया? DP मतलब direct purchase. आप कोई भी product के direct purchase में आप participate आपको नहीं मिलेगा, कोई भी इसके बाद order direct purchase का order नहीं मिलेगा। L1 purchase जो below 5 lakh होता है उसमें भी आपको कोई भी order नहीं मिलेगा। Bid में आप participate तो नहीं कर सकते और RA order भी आपका जो भी रहा होगा या RA order यदि निकला होगा तो वहां पर भी आप participate नहीं कर सकते। तो आपको इसके लिए मैंडेटरी है कि यहाँ पे आपको कॉइजन मनी डिपॉजिट करना ही पड़ेगा यदि आपको जेम पे आगे इन फ्यूचर वर्क करना है। तो सबसे पहली बात, जो कितना लगेगा डिपॉजिट, जनरली हमें बताया गया है 5000 का डिपॉजिट लगेगा पर हर एक को नहीं। किसको क्या डिपॉजिट लगेगा इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में आपको दिखाता हूँ मैं। तो देखिए किसको कितना लगेगा, यदि आपका टर्नओवर 1 crore से नीचे है तो 5000 है, यदि आपका 1 crore पर 10 करोड़ के अंदर है तो 10,000 है और आपका 10 crore से ऊपर है तो आपको 25,000 का डिपॉजिट दे रखना पड़ेगा। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन है जहाँ पे आपको कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो हम अभी देख के वीडियो में देखते हैं डिपॉजिट, ये जो अमाउंट है डिपॉजिट ये कहाँ से ऐड करेंगे। उससे जाने से पहले वीडियो को हम आगे डिपॉजिट के लिए आपको और एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे आगे जाने से पहले। यहाँ पे देखिए आपको दूसरा और एक मेल आएगा, ऐसा जेम आपको बार बार अलर्ट कर रहा है फेक वेबसाइट की तरह से। बहुत सारे पोर्टल है जहाँ पे फेक वेबसाइट बना है, पूरा का पूरा जेम जैसा ही आपको देखने को लगेगा। तो आप ऐसे कोई भी वेबसाइट में मत जाइए, सबसे पहली बात जो आपका वेबसाइट सही है कि नहीं ये चीज देखने के लिए। यहाँ पे HTTPS होना चाहिए आपके वेबसाइट में, ऊपर में भी देखेंगे तो ये लॉक का सिम्बॉल होता है, ऐसा लॉक का सिम्बॉल होना चाहिए जेम के साइट पे। देखिए यहाँ पर भी है, इसको HTTPS होना चाहिए और याद से आप जब साइट पे जाएंगे jm.gov.in ही लिखा हुआ होना। तो देखिए यहाँ पे jm.gov.in मेरा साइट है, तो ऐसा कोई भी फेक वेबसाइट पे मत जाइए जहाँ से आप पेमेंट कर पाए। पर्टिकुलर जेम आपको ऐसा ही देखने के लिए भी लग सकता है और आप इसको कंप्लेन, यदि आपको ऐसा कोई वेबसाइट मिलता है तो आप वहाँ पे कंप्लेन भी कर सकते हैं, हेल्प डेस्क को मेल कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहला ये अमाउंट को कैसे डिपॉजिट, आप कॉइजन मनी को कैसे डिपॉजिट करेंगे और ये डिपॉजिट हमारा कैसे रिलीज होगा वो सबके बारे में भी है। डिपॉजिट आप जब भी कोई भी बीट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कि आपको ऑर्डर मिला, ये डिपॉजिट अमाउंट कैसे आपका कट होगा, ये किस तरीके से कट होगा, कितना कट होगा, ये अभी तक डायरेक्टली पूरा नहीं हुआ है। पर आपको कोई डायरेक्ट ऑर्डर मिलता है, डायरेक्ट परचेज मिलता है और आप वो डायरेक्ट परचेज ऑर्डर मिलने के बाद आप उसको यदि डिलीवरी नहीं करते हैं या टाइमली डिलीवरी नहीं करते हैं, ये सब की रीजन के वजह से आपका कॉइजन मनी से कुछ परसेंटेज कट हो जाएगा। आपको कोई टेंडर मिलता है, बीड मिलता है और फिर भी आप यदि वो बीड मिलता है और आप वो बीड को आपका जो प्रोडक्ट या सर्विसेज को आप डिलीवरी नहीं करते तो भी आपका कॉइजन मनी से डिपॉजिट से निकल जाएगा। या L1 आपको L1 परचेज होता है। इन शॉर्ट आपको यदि कोई भी ऑर्डर मिलता है और आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद आप यदि वो ऑर्डर को डिलीवर नहीं करते या सर्विस प्रोवाइड नहीं करते तो आपको कॉइजन मनी से आपका अमाउंट कट हो जाएगा। वो हो सकता है कि 50% कट हो, 25% कट हो या 100% कट हो, ये डिपेंड करेगा आगे जेम के सर्विस, जेम के पोर्टल्स के ऊपर, बायर्स के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे आप डैशबोर्ड में जाएंगे तो डैशबोर्ड में आपको मिलेगा मैनेज कॉइजन मनी अकाउंट। आपका यहाँ पे जैसे ही 5000 से कम होगा आप वहाँ पे डिपॉजिट, फिर से आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बैंक चूज करना है, या दो बैंक आता है जनरली, ICICI और एक्सिस बैंक, ये दो बैंक में से आपको एक बैंक कोई भी चूज करना है और यहाँ पे एक्सेप्ट करना है।
और यहाँ पे इसके जेम के रिलेटेड आपको बताया है, कॉज एंड मनी के अकॉर्डिंगली आपको बताया गया है सभी चीजें जो मैं आपको अभी बता रहा था, जो आपका क्या क्या होगा जिसके वजह से ये कॉज एंड मनी डिडक्शन होगा, यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स में लिखा हुआ है, आप स्टडी कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे, सबमिट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा ये आईएफएससी कोड है, ये सभी चीजें, अपडेट बैलेंस या फिर एड फंड, यहाँ पे आप एड फंड कर सकते हैं। यदि फंड ऐड करने के बाद आपका यदि नहीं हुआ तो आप यहाँ पे अपडेट बैलेंस कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे ऐड फंड करता हूँ, तो ये पैसा आपको यहाँ पे ऐड फंड किया तो नहीं आ रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम और ये आपको आईएफएससी कोड दिया हुआ है, इस अकाउंट पे अपने अकाउंट से वहां पे डिपॉजिट कर दीजिए और फिर अपडेट बैलेंस पे जाके अपडेट बैलेंस कर दीजिए। जैसे अपडेट बैलेंस करेंगे आपका फंड आपको आपके अकाउंट पे आपका फंड दिखना चालू हो जाएगा। यहाँ तक का अभी इंफॉर्मेशन है, जैसे इसका आगे का इंफॉर्मेशन आएगा किस तरीके से अपडेट करना है, आपको कितने परसेंट डिडक्ट होंगे, ये सभी चीज जो अब जब अपडेट आएगा तो मैं उसके लेके आपको एक नया वीडियो आपके सामने रखूंगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।